वैष्णवजन गुरुजन की आज्ञा से मैं अब विदग्ध माधव प्रारंभ करता हूँ। गुरुदेव की वंदना करके, ठाकुर का स्मरण करके, ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्केतनैकपितरौ कमलायताख्यौ शम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्पुत्रौ करुणावतारौ पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासुभ्यैव च सत्कृतानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बापुए ते भगवन्तन येनाशत्रुविघ्नहरे आवत प्रेमने वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाप्रभु की जय। जय श्री राधेश। जय जय पहले चंद्रावली से मिलन करके लगभग पूरी रजनी इंतजार करते हुए श्याम सुंदर कुंज में आए हैं। यहाँ प्रिया जी ने भी सारी रात इंतजार की है। पहले श्याम सुंदर ने प्रिया जी की इंतजार की नहीं हुई। मधुमंगल इधर चंद्रावली को लेवाने चले गए अभिचार कराने। इधर सुबल चोरी जी को अभिचार करा के ले आए। कुल मिला के चंद्रावली पास चले गए श्याम सुंदर और वहाँ कुछ समय परिहास करके जब आए हैं तो प्रिया जी यहाँ बैठी हुई हैं। तो लिंग वचन एक के ऊपर पानी चल रहे हैं। बीच में मधुमंगल जो है यानी लगा कि हाँ राधा जी आप आए नहीं। तो श्याम सुंदर ने जो है चंद्रावली बस इतना कहा था तो श्याम सुंदर ने रोक के उसको पूरा किया। और प्रिया जी किशोरी जी और ललिता जी की आंखें चौंकने की चंद्रावली क्या मतलब। इसका मतलब आज ये किसी दूसरी कुंज में चंद्रावली के साथ रहे हैं। तो भगवान ने उसको बदल दिया कि तुम्हारे मुख के समान चंद्र में ही मैं अपनी चकचकी लगाए हुए सारी रात काटे। इसका मधुमंगल का ये भाव है चंद्रावली से गोवर्धन मल्ल की चंद्रावली मत जो अगर तुम्हारे मुख मुख के समान चंद्र में ही नैनों को लगाकर बड़े कष्ट से ज्यों त्यों रात काटी है। मधुमंगल ने कहा था अरे वाह तो सर्वज्ञ हो मेरे मन में जो बात की वो तुमने जो की त्यों उतार दी। तो अब आज आगे ललिता कहती है किशोरी जी से अरे क्या तुम्हें अब भी कोई शक है। अब भी तुम्हें शक है कि ये कन्हैया ये श्याम सुंदर चंद्रावली के पास होकर आए हैं। तुम देखो सागर के मनोहर अंगों पर प्रति विलास के चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। ये तो चंद्रावली से मिलन करके आए हैं उसके चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। फिर ईर्ष्या सहित कहती है हे बाले ये गोपी के वक्षस्थल पर आधे नेत्रों से देखने वाला है। ये निगाह चुरा चुरा कर गोप युवतियों के वक्षस्थलों को देखता रहता है
और उसका हृदय श्यामशिला शालिग्राम की तरह से अत्यंत कठोर है। ये मैं तो अभी कहती हूँ कि तू अपना मन हटा ले। ये क्या करता है कि पहले तो ये मुहूर्त मिलने के बहाने आओ आओ खेलते हैं खेलते हैं छुपा छुपी खेलते हैं ये खेलते हैं वो खेलते हैं खेलने के बहाने कुल कामिनियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसका नाम भी कृष्ण है, इसका अर्थ है आकर्षित करने वाला। फिर उन्हें उनके साथ रास विलास करता है और उन्हें कलंकित कर देता है और फिर व्याकुल हो के जब वे व्याकुल होती है इसके प्रेम में तब उनको त्याग करके फिर कोई दूसरी को रमणी ढूंढता है। राधिका कहती है हाय हाय धिक्कार है धिक्कार है मैं तो ठगी गई। कृष्ण कहते हैं प्रिय वृथा दोष मत दो। राधिका फिर टॉन्ट करती है व्यंग करती है हाँ हाँ आप तो मेरी तरफ बाट देखते देखते ही तुम्हारे नेत्रों में ये जो लालामी है ये कोई विलास की लालामी नहीं है ये अनुराग की लालामी नहीं है ये तो तुमने मेरे को रात भर मेरी इंतजार की है जागे हो ना मेरी इंतजार में इसलिए तुम्हारे ये आंख नेत्र लाल हो रहे हैं और जो आप वन में रात्रि भर ढूंढते रहे हो मेरे को ठंडक के कारण तुम्हारे होठों पर जो छाले पड़ गए हैं ये तुमने अधरामृत पान नहीं कराया है किसी और को अभी तू ये जो छाले पड़े हुए होठों पर जो होठों में कंट के निशान हैं ये वो सर्दी के कारण हो गए बिल्कुल ठीक बात है मैं आपको कोई दोष नहीं दे रही हूँ आप अपने आप को दोषी मत मानिए आप तो क्या कहने आप की श्याम सुंदर आप तो परम कुशल है परम सुंदर है परम प्रवीण है और परम धर्मनिष्ठ है परम ब्रह्मचारी है आपको क्या कहें। कृष्ण कहते हैं प्रिय तुम्हारे अधीन होना संकोच भी करना पड़ता है। राधिका कहती है आप तो स्वाधीन हो सब लोगों में सर्वतंत्र स्वतंत्र हो आप फिर मेरे अधीन क्यों हो। कृष्ण कहते हैं राधे देखो जो सर्वतंत्र स्वतंत्र की बात कर रही हो अकेला में कृष्ण ही तुम्हारे अधीन नहीं हूँ मेरे जो 10 अवतार हुए हैं वो सब के सब तुम्हारे अधीन है। वाह 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 अरे वाह वाह इतनी सुंदर बात कही है सुंदर बात कही है अरे दुष्ट अरे धूर्त बोलिए अच्छा कैसे जरा बताना अपने 10 अवतार मेरे अधीन कैसे हैं तो सुनो देखो जो आपके नेत्र है वो मीन से भी बेहतर है और मैंने एक मीन मत्स्य अवतार लिया था और मेरा जो मत्स्य रूप है वो तुम्हारे नेत्रों के अधीन है। सुंदर बात कह रहे हैं इसको ध्यान से सुनने की जरूरत है। दशावतार का वर्णन राधा जी के शरीर में वर्णन कर रहे हैं तुम्हारे जो नेत्र हैं मेरा मत्स्य अवतार तुम्हारे नेत्रों के अधीन है और मेरी कच्छप मत्स्य के बाद कच्छप अवतार होता है कच्छप में मेरी जो पीठ है कुछ जो कठोर है वो तुम्हारे वक्षस्थल से भी कठोर यहाँ व्यंग किया जबकि या जी का वक्षस्थल की कोमलता का क्या अंदाज या कल्पना लेकिन उसको वक्षस्थल को टॉन्ट किया है कि मैं कच्छप अवतार लेता हूँ
तुम्हारे वक्षस्थल जो है वो श्रेष्ठ है, और मेरी जो कच्छप अवतार की जो कठोरता है वो तुम्हारे वक्षस्थल के अधीन है। जो आपका मध्य देश है, कमर है, वह मेरे वराह अवतार तुम्हारी कमर के अधीन में है। आपके अधर जो है वह उनके प्रहलाद उनके अधीन है। प्रहलाद कैसे अधीन है? बोले प्रहलाद का अर्थ होता है आह्लाद को बढ़ाने वाला। तुम्हारे अधर जितना आह्लाद वृद्धि करते हैं उतना प्रहलाद के कारण जो मेरा नृसिंह अवतार हुआ था वो भी उतना आह्लाद नहीं पैदा करता है। इसलिए ये नृसिंह अवतार तुम्हारे पुष्टों के अधीन है। आपका जो कटी देश है, कमर है, वह त्रिवली रेखा से अवस्थित है। तीन रेखाएं उसमें सुंदरता की। तो मैंने जब वामन अवतार लिया था तो तीन पग पृथ्वी नापी थी, तीन पग पृथ्वी मांगी थी, और वही तीन रेखाएं आपके कमर पर हो रही हैं। तो वो जो तीन रेखाएं हैं वो तीन रेखाओं के अधीन है। वामन बन के मेरा तीन पग पृथ्वी मांगना, आपकी जो मुख शोभा है वह रमणी गण को पराजित करने वाली है। इसलिए जो रामा मतलब जो राम राजा राम और परशुराम ये दोनों अवतार मेरे तुम्हारे मुख की शोभा के अधीन है। आप शोभा की जिस घनत्व को प्रकाशित करती हो वह जो शोभा है उस के सामने मेरा बुद्ध अवतार की टीका है। बुद्ध की भी उतनी शोभा नहीं है जितनी तुम्हारे शोभा का घनत्व है। और इस समय आप जो प्रणय कलह धारण किए हुए हो, जो मेरे को डांट रही हो, मेरे से नाराज हो, उसके सामने कल्कि माने कलह वाला जो अवतार है वो भी टीका है। इस प्रकार मैं तो क्या राधिका बोली सखी ललिते तुमने सुना व्याख्या? सुनी थी महाराज जी की? क्या व्याख्या कर दी? कैसे 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 मुझे आकर्षित करने में लगे हुए हैं। ललिता बोली हे कृष्ण ऐसा नहीं है, पिया जी के वश में नहीं हो। तुम्हारे जो 10 अवतार हैं तो 10ों के लक्षण तुम में दिखते हैं हमें। कैसे दिखते हैं ललिता? देखो कि वन में तुम जो चपड़ 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 चपलता करते हो यह मीन का लक्षण है। और जो तुम ब्रज रमणियों से कठोरता का व्यवहार करते हो तुम्हारे दिल में तिल नहीं है। तुम जितने कठोर हो वो कच्छप का अंश तुमको दिखता है। तुम जो पृथ्वी पर चलते हो वो गो गणों के साथ वो तुम्हारा वराह है। और नरसिंह ने अपने नखों से
उसका हिरण्याक्ष का पेट फाड़ा था और तुम उन्हीं नखों से कोटि जन के वक्षस्थल पर चिन्ह बनाते हो, ये तुम्हें नृसिंह का लक्षण है। और तुम कितने कपटी हो ये किसी से छुपा नहीं है। तुम्हारे शरीर पर अभी भी चंद्रावली के साथ रतिकला की चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम सफाई दे रहे हो। तुम कितने कपटी हो ये वामन का अंश तुम में है, क्योंकि वामन ने भी कपट द्वारा बलि को जीता था। तुम्हारे अंदर प्रचंड मधुरिमा है, इसीलिए आप परशुराम हो। और तुम रमणियों के केशों का आकर्षण करते हो, इसलिए तुम राम हो। तुम अत्यधिक उन्मादी हो जाते हो रतिक विलास में, इसलिए तुम बलराम हो। जैसे बलराम भांति के मत हो जाते थे, इस प्रकार तुम भी उन्मत्त हो जाते हो। तो ये बलराम का अंश तुम में है। और सुहृद लोगों को दुख देना और यज्ञों को बंद कराना, ये भी तुम्हारा जो है, तुम में जो अंश है, ये बुद्ध का अंश है। सुहृद माने गोपीगण को दुख देते हो, तुम बुलाते हो, फिर पूछते हो, बंशी बजाते हो, फिर पूछते हो किसने बुलाया, रात को कहाँ घूम रही हो, ये कुलनारियों का लक्षण नहीं है। और यज्ञ बंद कराते हो, माने इंद्र का यज्ञ बंद कराया तुमने, गोवर्धन पर्वत की पूजा कराई, तो ये भी तुम में जो है, बुद्ध ने भी यही कराया, ये बुद्ध का अंश है। और तलवार जैसी तीक्ष्ण लीला में तुम जो हो माहिर हो, ये तुम में कल्कि का गुण है, क्योंकि कल्कि अवतार जब होगा तब वह घोड़े पर होगा और तलवार लेकर होगा, तब सब दुष्टों का वो नाश करेंगे। तो ये सारे के सारे अवतारों के लक्षण आप में हैं। कृष्ण बोले, मित्र देखो देखो, इस समय ये जो ललिता है इसका लालित्य समाप्त हो रहा है, ये दुर्ललिता हो रही है। और ये जो राधा है ये दुराराधा हो रही है, अर्थात क्रोधित हो रही है। और ये जो शाखा है ये शाखा रहित हो के मुझे छाया प्रदान नहीं कर रही है, राधा क्रोधित हो रही है। ललिता जो है लालित्य मतलब तहजीब छोड़ के बात कर रही है, और विशाखा जो है वो भी मेरी ऊंट नहीं ले रही है। फिर कुछ इस प्रकार से एक्शन करते हैं, जैसे कि ठीक है, अब ना तो राधा क्रोधित हो रही है, ललिता ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी है, लालित्य का त्याग कर दिया है, विशाखा भी मुझे बचा नहीं रही है, अब ऐसा करो ये पुष्पमाला देते हैं राधा जी को और प्रणाम करते हैं और कहते हैं, राधे यह जो गुणशालिनी माला है यह तुम्हारी जैसे चित्तवृत्ति है ना, वैसे ही निर्मल है, कोमल है एवं आनंद प्रदायिनी है, इसलिए आपके वक्षस्थल पर यह चंद्र रेखा के बीच तुम्हारी शोभा को वृद्धि करे, यह मेरी प्रार्थना है, यह आप माला स्वीकार करो। यह कहकर विशाखा को वह माला दे देते हैं, क्योंकि अभी डायरेक्ट नहीं है ना, जब जब डायरेक्ट वार्तालाप बंद हो जाता है तो सामने यदि पात्र खड़ा भी होता है तो
लोक में भी हम कहते हैं कि जरा इनको ये तुम्हारी जो माता जी है ना इनको समझा दो, कल से इस तरह की गड़बड़ी नहीं करेगी, तुम ही कह दो ना कि नहीं मैं नहीं बोलता इनसे, तुम कह दो। वही वाली कुछ कुछ लक्षण है इसमें कि विशाखा को माला दी है और विशाखा ने कहा ये धरा दो किया जी के हृदय परवक्षण पर। तो विशाखा जो है माला को भेंट करती है राधा रानी को, कहती है एक सांगी तुम्हारे नेत्र कमल जरा भी जिनके दूर जाने पर एक निमेश को मनवंतर की तरह से समझते हैं, मतलब एक क्षण भी तुम्हें युगों के समान लगता है जिनके दूर जाने पर। और वृंदावन में जो मंडप है उनमें विहार करने में जो इंद्र के समान देवताओं के राजा, वही श्री कृष्ण आज तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। फिर भी है सखी तुम उनकी स्तुति को नजरअंदाज कर रही हो और उनके प्रति प्रतिकूल हो रही हो, यह उचित नहीं है। अब विशाखा ने, क्योंकि कृष्ण ने टॉल्ट की ना कि विशाखा भी मेरी तरफदारी नहीं कर रही है, तो अब विशाखा ने थोड़ी सी कृष्ण की तरफदारी की है कि है सखी ये प्रतिकूलता करना उचित नहीं है। तो राधिका जो है थोड़ी रोष में है और कहती है अरे दूर हो जा निर्बुद्धि, दूर हो जा, तू किसका पक्ष ले रही है, दूर हट। कृष्ण कहते हैं ये चंद्रकांत मुखी तुम्हारा यह प्रिय जन सिर में, जो मेरे सिर में मोर मुकुट लगा हुआ है, उस मोर मुकुट को मैं तुम्हारे चरणों की धूली में रखता हूँ और तुमको बारंबार प्रणाम करता हूँ और तुम्हारे कृपा कटाक्ष की माधुकरी चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने पिया जी को मनाने में अपना जैसे मुकुट उनके चरणों में रख दिया और प्रणाम किया और कह रहे हैं कि बस आप मुझे अपनी कृपा कटाक्ष की माधुकरी दे दीजिए, भिक्षा कर रहे हैं, बैठे हो मनोटत राधिका पायन। ललिता कहती है राधे आप पीछे की तरफ मुड़ जाओ, उखरा बुला रही है। राधा पीछे को मुड़ जाती है, अभी भी द्रवित नहीं हुई है। देखिए महान का ऐसा सुंदर वर्णन है, ये प्रणय मान है, लड़ाई का मान नहीं है, ये प्रेम का मान है, प्रेम की वृद्धि करता है। मान जो है वो प्रेम की वृद्धि करता है। तो राधा इतने पर मुड़ गई, मुखरा तुरंत प्रवेश करती है, मुखरा मंच पर प्रवेश करती है, मुखरा कृष्ण को देखती है, मुंह पर उंगली रखती है, अरे कृष्ण कृष्ण या कहती है मुखरा, दादाजी की नानी है, जो घर से चित्त को हटाकर वन में आसक्त करा देता है और बांधवों के महान अनुराग को भुलवा देता है। ये कृष्ण की व्याख्या कर रही है, ये कृष्ण घर से चित्त को हटा देता है और वो चित्त बार बार वन में भागता है और जो अपने बंधु बांधव होते हैं उनके अनुराग को भुलवा देता है और जो धूर्त लोग हैं उनकी महिमा का गान करने में गुरु है। अरे सरल स्वभावा राधे, तुम भी इस कृष्ण के हाथों पड़ गई हो,
तुम भी इस कृष्ण से कृष्ण में आकर्षित हो गई हो। मधुमंगल हाथ की ओट करके कृष्ण को कहते हैं, मित्र वायु की भांति तुम्हारी वंशी की तरह वाचाल ये मुकरा यहाँ आ गई है, अब यहाँ क्या कर रहा है, निकल यहाँ से। क्योंकि मुकरा भी जैसे वंशी की ध्वनि का कोई पता नहीं कब बज उठे, टपक जाए, ये डोलती रह सकती है प्रिया जी की रक्षा में इधर करते उस तक। बोले अब तो ये आ गई है यहाँ पर, अब क्या कर रहा है, निकल यहाँ से, अब और फजी पी कर आएगा क्या। बोले चलो 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 चलो, ऐसा कृष्ण कहते हैं, चलो चलो। कोई वो चलते समय जैसे हम कहीं बैठे होते हैं, चलते समय याद रहता है कि यहाँ क्या लाइफ के हाथ में जो टीम हमेशा रहती है, कृष्ण के हाथ में हमेशा वंशी रहती है। जब चलने लगे तो अरे मधुमंगल वो वंशी कहाँ है, मेरी वंशी, वंशी अरे वंशी तो तेरे पास थी, नहीं वंशी नहीं है, नीचे देख ऊपर देख कमर में देख इधर देख उधर देख, मेरी वंशी नहीं है। तो मधुमंगल ने कहा मैं नहीं पता वंशी कहाँ है। कृष्ण ने कहा ओ मेरा अनुमान है कि आज मेरी वंशी श्री राधा ने ही हरण कर ली है। राधा ने कैसे हरण कर ली है, बोले मेरा अनुमान है, और कौन लेगा मेरी वंशी, और बिना वंशी के यहाँ से चले कैसे हम। तो मधुमंगल ने कहा हाँ अरे ये तो बहुत समझो कि राधा ने तुमको नहीं चुराया है, तुमको चुरा के कहीं छिपा देते तो मैं तो अनाथ हो जाता। ये बड़ी गनीमत है कि तुम्हारी वंशी को ही चुराया है, और वंशी को चुराया है तुम बच गए हो, अब तुम भी चलो नहीं तो तुम्हारी भी चोरी हो जानी है महाराज, यहाँ से निकलो भाग चलो चुपचाप। तो बोले अरे वाचाल अरे मधुमंगल फालतू की बात करता है तू, रुक तो सही, ऐसे कैसे बिना बिना वंशी के कैसे चलेंगे। प्रिया जी से कहती है हे सुंदरी तुम्हारा चोरी करने में बड़ा अभ्यास है, तुम्हारी विलक्षण निपुणता है, इसकी इस निपुणता के कारण तुमने मेरी वंशी चुरा ली है। राधिका कहती है ये बहाना बनाकर कलंक लगाना छोड़ दो, हमको कुछ नहीं पता तुम्हारी वंशी के बारे में, तुमने देखा है हमने चोरी की है, प्रमाण है सबूत है। ललिता बोलती है कन्हैया देखो हम गोपियों में कोई भी पराया धन हरने वाली नहीं है, हम सती नारियों को झूठा इल्जाम मत लगाओ। फिर कृष्ण कहते हैं अरे सखी ललिते बहुत हो गया बहुत हो गया, आज तो मेरा ऐसा लगता है दिन ही खराब है, न प्रिया जी संतुष्ट हो रही है, न तुम पक्ष ले रही हो, न विशाखा ले रही हो, और ऊपर से पति पति मेरी बस्ती और हो गई। तुम जो है हम तुम्हारे बंधु हैं, तुम हमारा ध्यान करो और तुम हमें वंशी उपलब्ध कराओ। कहती है ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, फालतू बात सुनने का हमारे पास समय है, तुम शीघ्र अपने घर को जाओ, ये दूर थो तुम्हारी वंशी का ठेका लिया है क्या हमने, जामन शब्द है मतलब हमने तुम्हारी वंशी का ठेका लिया है क्या, खीर खाई हमने तुम्हारी वंशी की। या प्रीतम इस प्रकार की लीलाओं में जब भी हमको साधक होते हुए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए,
लेकिन यहाँ पर क्या है, हम कथा नहीं कह रहे हैं, हम ठाकुर के डायलॉग कह रहे हैं। ठाकुर ने जो डायलॉग बोले हैं वही डायलॉग हम बोल रहे हैं, तो क्या हो रहा भाई? अनंत हरिदास, तो ठाकुर ने जो डायलॉग बोले हैं उन डायलॉगों में सच्ची कई बार मूर्ख तो भी कह देती है, कई बार मूर्ख भी कह देती है, कई बार वाचाल भी कह देती है। अभी जैसे कह दिया कि हमने तुम्हारी वंशी का ठेका लिया है क्या, ये शब्द एक साधक को बोलने में थोड़ा मुझे कष्ट सा तो होता है, लेकिन क्योंकि वहीं के भाव में हम होते हैं और वो कृष्ण की बात और लंका के वाक्यों को हम बोल रहे होते हैं तो ऐसा भूल जाते हैं। आप वैष्णवगण अपराध नहीं लेंगे, तो ये धूर्त हम तुम्हारी वंशी के ठेकेदार हैं क्या? राधिका मुखरा के पास जाती है और कहती है, देखो भैया, देखो नानी, देखा आपने अपने कन्हैया का चरित्र? हमको एक तो उदमबाजी करता है, छेड़खानी करता है, अब चोरी का और इल्जाम लगा रहा है। मुखरा कहती है, क्यों रे कृष्ण, क्या नाटक है ये? तुम मेरी नातनी राधा को कलंकित करने आया है? तेरी बेकार सी बंसी ही मिली थी इसको चुराने के लिए। मधुमंगल कहता है, अरी मुखरे, अरी निष्ठुर भाषिणी निर्वंश के, तुम्हारी नातनी राधा ने एक तो हमारी बंसी चुरा ली और तुम और उसकी ऐसे सुरक्षा कर रही हो जैसे किले में राजा बैठा होता है, इसलिए वो और ज्यादा निडर हो गई है। कृष्ण कहते हैं, मुखरे मधुमंगल सत्य कह रहा है, वंशी नहीं चुराई है, और आप हम जानते हैं कि वंशी चुराई नहीं है, बल्कि कथा में जब प्रिया जी की झोली में ठाकुर पुष्प डाल रहे थे, हाथों से तो पुष्प डाल रहे थे और आंखों से उनके अप्रतिम मुख चंद्र को निहार के तो बुध खो बैठे थे, तो जो हाथ में वंशी थी वो फूलों को पलटने के साथ वंशी भी उनकी झोली में चली गई थी और ललिता ने देख लिया था और उस वंशी को कवर कर लिया। कृष्ण ने कहा, हाँ आज से मधुमंगल ठीक कह रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है। मुखरा बोली, क्यों राधे, ये यदि सही कह रहा है ये सच है क्या, तुमने चुराई है बंसी? राधिका बोली, अरे नानी, वृंदावन में ईंधन क्या महंगा हो गया है, ये जो एक हाथ भर की लकड़ी की वंशी हम अपना चूल्हा जलाने के लिए चुरा लेंगी और वंशी आती किस काम है, एक लकड़ी का ही तो टुकड़ा है, क्या यहाँ ईंधन महंगा हो गया है या लकड़ियों की शॉर्टेज हो गई है कोरोना में वृंदावन में जो हम इसकी वंशी चुरा लेंगी? कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, अरे गौरांगी प्रचंड देवी, मतलब हो तो तुम गौरांगी लेकिन इस समय जो तुम अकड़ रही हो वो एक प्रचंड देवी की तरह से अकड़ रही हो, तो जब तुमने वंशी नहीं चुराई तो ये वंशी की बात आते ही तुम्हारे अधर पर मुस्कान क्यों आ जाती है? तुम्हारी एक एक जो है मुख पर एक उसको कहते हैं ना कि शैतानी तो नहीं कहते हैं, पर एक अलग प्रकार का भाव पता लग जाता है, ये क्यों आ जाता है, मुस्काती क्यों हो तुम, तुम्हारे गाल क्यों फूल जाते हैं और नेत्र के कोर चंचल क्यों हो जाते हैं, कि तुम्हारा रूप रंग देखते ही मेरे को पता चलता है पर ऊपर से ना कर रही हो और अंदर अंदर से वंशी तुम्हारे पास है, तुम मजा ले रही हो,
तो मुखरा कहती है, अरे ये चपल, ये अभिमन्यु की पत्नी है और यशोदा के मामा की पुत्रवधू है, ये तेरी पुत्र है, तुझे इसको प्रणाम करना चाहिए, ये तू उल्टी सीधी बातें कैसे कह रहा है, एक कपोल फूल जाते और तू मुस्कुरा रही है, अंदर ही अंदर कुछ कुछ चल रहा है, ये सब है, तुझे प्रणाम करना चाहिए। मधुमंगल ने कहा, अरे मुखरे, अरे नानी, मैं इस यज्ञोपवीत की शपथ खाकर कहता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, अभी अभी कृष्ण ने इनके चरणों में मुकुट सहित प्रणाम किया है। मुखरा बोली, अच्छा ऐसा क्या है, इसकी प्रणाम किया है? बोले, बिल्कुल मेरे सामने किया है, मैं ब्राह्मण हूँ, ब्रह्मदेव से संपन्न हूँ, यज्ञोपवीत की शपथ खा के कहता हूँ, इसने अभी अभी प्रणाम किया है। बोले, अच्छा क्या है, तो इसमें धर्म वृद्धि होगी, इसका कल्याण होगा। सब हंस पड़ते हैं। मुखरा बोली, कृष्ण तुम्हारी की इस चपलता से गोपराज बहुत दुखी होते हैं, ये तुम तो बाजी करते हो, ये यहाँ सखियों को छेड़ते हो, वन में आ जाते हो, अपनी गायों को छोड़ देते हो, ये अच्छी बात नहीं है, तुम अपने पिता को बहुत दुखी करते हो, तुम अब घर जाओ, जाके गाँव को संभालो। कहते आपकी बात ठीक है, मैं गायों को संभालने ही तो जा रहा हूँ, लेकिन वंशी के बिना गायों को कैसे संभालूंगा, गायों को मैं वंशी से ही तो बुलाता हूँ, वंशी से ही तो उनको मैं नाम ले लेके वंशी की ध्वनि से तो सब इकट्ठी होती है, वंशी के बिना मेरा क्या अस्तित्व है। ललिता बोली, सीधी बात बोलो ना, कि गाय तो ही वही हो करके भी आ जाएंगे, तो वंशी के बिना ब्रज गोपियों को आकर्षित करना मुश्किल हो जाएगा, तुम्हारा ये रास विलास बंद हो जाएगा, गोपियों से छेड़खानी बंद हो जाएगी, सीधी बात बोलो ना। कृष्ण कहते हैं, ललिते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सबका समय आता है, आज तू नहीं बोल रही है, आज ये जो मुखरा तुम्हारे बीच में खड़ी हुई है ना नानी जी, ये मुखरा का बल ही तुमको बुलवा रहा है, तुम ये जो उनकी बातें बोल रही हो, ये तुम नहीं बोल रही हो, ये मुखरा बुलवा रही है। मुखरा बोली, रे अंचल, मेरे से आगे ये नई उम्र की नातनी है और तू इससे जबान लड़ा रहा है, और मैं तो वृद्धा हूं, मुझे तो दोपहर में भी नहीं दिखता, तू यहां से अपने घर चला जा, नहीं तो फिर मेरे को दोष मत लगाना, तुमको क्या दोष लगाऊंगा मैं नानी, देख मैं मथुरा जाकर कंस राजा के पास मेरी कठपुतली कह दूंगी। क्या? मधुमंगल बोला, अरे दुर्बुद्धि, बढ़िया, तू क्या समझती है हम तेरे कंस से डरते हैं, और जो तू मथुरा निकट बता रही है। मुखरा बोली, अरे रुक जा रही, अभी मैं राधा को लेके रात सभा में जाती हूँ, उससे भी शिकायत करवाती हूँ, यह कहकर राधा आदि को लेकर चली जाती हूँ। और कृष्ण कहते हैं, मित्रों आओ चलो, हम चलते हैं यमुना तट पर और देखते हैं गोगों की क्या स्थिति है, गायें कहाँ है। इतना कहकर एक लंबी सांस लेते हैं कि अरे न तो हंसी मिली, न प्रिया जी से मिलन हुआ, न यश मिला, न सम्मान मिला, न प्रेम मिला, न कुछ भोजन मिलो, ये तो आज का दिन खराब हो गया। और पीछे की तरफ देख रहे हैं, प्रिया जी दक्षिण की ओर जा रही हैं, प्रिया जी भी मुड़ मुड़ के पीछे की तरफ देख रही हैं और उंगली से इशारा कर रही है, आज बड़ा मजा आया। और कृष्ण भी जो है
बार बार घूम के घूम घूम के प्रिया जी देख रहे हैं, कृष्ण इधर उत्तर की तरफ आ रहे हैं और एक बात कहते हैं, अरे मधुमंगल जी हाँ, बोले देखो ये राधा भी जो है ना एक क्षण में तो धीरजमयी मुद्रा धारण कर ले, शांत हो जाती है बिल्कुल, तो बड़ी धैर्य गंभीर लड़की है, और दूसरे क्षण में तारुण्य तरुणता युवा परम सुंदरी दिखने लग जाती है, और एक क्षण में मेरी उपेक्षा करने लग जाती है, और अगले ही क्षण मेरे को प्राप्त करने की उत्कंठा इसमें आ जाती है, क्षण भर में बड़े प्यार से मेरी तरफ देखती है और अगले ही क्षण बड़ी टेढ़ी नजर करके मेरी तरफ क्रोध से देखती है और प्रणय के वशीभूत होकर व्याकुल हो जाती है। इस प्रकार यह जो राधा है इनमें दो परस्पर विरोधी अवस्थाएं प्रकाशित होती रहती हैं। मैं इसके रूप को, इसके तत्व को, इसके स्वभाव को समझ नहीं सका हूं। ये कहकर कहते कहते पर्दे के पीछे चले जाते हैं। श्यामदास जी द्वारा अनुवादित विदग्ध माधव नाटक का वेणु हरण नामक चौथा अंक विश्राम लेता है। इसे आगे की कथा कृपा से इसी समय 2 बजे फिर उपस्थित होंगे और उपस्थित होके आप सब लोगों की सेवा करेंगे और इस रस्त का आगे आसन लेंगे। बहुत सुंदर अंग है आगे और हम लगभग 98 पेज पर आ गए हैं और इसमें लगभग 100 प्रश्न है, वो 2/3 हो गया है 8-10 दिन में शरीर स्वास्थ्य रहा, तो इसको आगे बढ़ाएंगे। आप सब वैष्णवों की गुंजन कृपा से जय जय श्री राधे गौर हरि। Thank you.